हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए ये मेकअप लुक जो कि मैंने खास तौर से वैलेंटाइन डे के लिए क्रिएट किया है। तो वीडियो में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है ये वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस ड्यूई लुमिनेक्स प्राइमर। ये प्राइमर बहुत ही अच्छा है, मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये प्राइमर। ये आप भी इसे ज़रूर यूज़ करें। इसमें एक ड्यूईनेस है, आपके फेस पर लगते ही आपका फेस ग्लो करने लग जाता है, और ख़ासतौर से डल स्किन वालों के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ ओलिविया की मेकअप स्टिक, क्योंकि प्राइमर बहुत ज़्यादा ड्यूई है इसलिए मैं ये मेकअप स्टिक बहुत ही कम यूज़ करूँगी, कहीं कहीं यूज़ करूँगी, मेरे हाइएस्ट पॉइंट पर ही मैं इसे लगा कर ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ लैक्मे की ब्राउ पेंसिल, जिससे मैं अपने आईब्रो को शेप दूंगी। और याद रहे कि अपनी आईब्रो को शेप देते वक्त आप जहाँ पर ही आपके हेयर वर्टिकली हैं वहाँ पर आप वर्टिकली लगाएं, और जहाँ पर आपके हेयर हॉरिजॉन्टल हैं वहाँ पर हॉरिजॉन्टली ये पेंसिल लगाएं, और उसके बाद उंगलियों से इसे स्मच कर लें ताकि अनइवन ना लगे। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ एनी लेडी का पैलेट, जिसमें से मैं शेड इस पैलेट में से मैं एक ऑरेंजिश ब्राउन शेड ले लूँगी, जो कि मैं अपने सारे आई एरिया पर लगा लूँगी। मैं आज ज़्यादा हैवी आई मेकअप नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज़ ये क्विक मेकअप है और इसलिए मैं बहुत ही हल्का और लाइट आई मेकअप करूँगी। उसके बाद मैं इस पैलेट में से ये रेडिश डार्क रेडिश शेड पिक करूँगी, जो कि मैं अपने इसी कलर के ऊपर हल्का हल्का दोबारा से फिर लगा लूँगी, ताकि मेरे जो ये आई का कलर है ये थोड़ा सा डार्क हो जाए और ज़्यादा हल्का सा ना लगे। साथ ही साथ मैं इसे अपने क्रीज एरिया पर भी अप्लाई कर लूँगी, बहुत ही लाइट अप्लाई करूँगी मैं इसे। यहाँ पर मैं मिलाप का आईलाइनर ले रही हूँ, जिससे मैं अपने आई पर एक विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। ज़्यादा बोल्ड नहीं बल्कि थिन आईलाइनर ड्रॉ करूँगी मैं, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा लाइट मेकअप करने वाली हूँ वैलेंटाइन के लिए। अब मैं इसी लाइनर को अपने हाफ वाटर लाइन पर लगा लूँगी, इनर कॉर्नर की तरफ, आगे की तरफ विंग निकालते हुए मैं हल्का सा इसे अपने इनर कॉर्नर पर लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पर सेवन हेवन का मस्कारा लगा रही हूँ अपने आईलैशेस को कर्ल करने के लिए। अब मैं यहाँ पर मिस रोज़ की मैट लिपस्टिक, मैट बुलेट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, जिसका शेड नंबर है 49 शी। ये बहुत ही अच्छा शेड है और ये लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर यूज़ करें, मुझे बहुत पसंद आई इसलिए मैंने इस मेकअप में इसे यूज़ किया। अब मैं यहाँ पर ब्लश के लिए पिक करूँगी, लाइट पिंक और डार्क पिंक दोनों मिक्स करके लगाऊंगी अपने चिक्स पर, ताकि एक अच्छा सा ब्लशर मेरे चिक्स को हाईलाइट करे। अब मैं अपने एनी लेडी के पैलेट में से कंट्योर शेड लेके अपने फेस को कंट्योर करूँगी। अब मैं इसी पैलेट में से शिमरी शेड लेके अपने फेस को हाईलाइट करूँगी,
मैं अपने सारे हाईएस्ट पॉइंट पर ये शेड अप्लाई करूँगी ताकि मेरा फेस हाईलाइट लगे अच्छे से और मेरे फेस के फीचर्स ज़्यादा इन्हेंस होकर उभर कर दिखें। अब मैं इसी पैलेट में से ये शिमरी शेड लेकर अपने आई के इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी जिससे कि मेरी आंखें थोड़ी ब्रॉड और क्यूट और अच्छी लगेंगी। अब मैं इस पैलेट में से ब्लू शेड लेकर अपने वाटर लाइन के नीचे स्मच कर लूँगी जिससे कि मेरी आईज़ में एक स्मोकी लुक आएगा। अब मैं अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए किस ब्यूटी का मेकअप स्प्रे यूज़ करूँगी जिससे कि मेरा मेकअप थोड़ा सा ड्यूई और लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा सा डैप डैप कर लूँगी ताकि मेरा सारा मेकअप सेट हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।